अच्छा जी, सो ट्रीटी ऑफ उदयपिया के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, पहले मैं इसका बैकग्राउंड आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, जस्ट लाइक हाउ हाउ यू कैन यू नो स्टार्ट योर आंसर। ठीक है, तो बैटल ऑफ ट्रेंच जो है वो 5th AH के अंदर हुई। ठीक है, बैटल ऑफ ट्रेंच के बाद, अच्छा ट्रीटी ऑफ उदयपिया की डेट क्या है? इट्स 6th AH। ठीक है, हिजरत के 6ठे साल में हुई है। ठीक है, तो फॉलोइंग द बैटल ऑफ ट्रेंच जो कि 5 AH में हुई थी, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एक ड्रीम आता है, एक ख्वाब आता है। ठीक है, एक और उस ख्वाब में प्रॉफिट मोहम्मद देखते हैं कि ही इज शेविंग हिज हेड एंड डूइंग द तवाफ ऑफ द होली काबा। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह की तरफ से बशारत हासिल होती है कि वो अपने हेड को शेव कर रहे हैं, एंड ही इज एंटरिंग द होली सिटी ऑफ मक्का एंड डूइंग द तवाफ ऑफ द काबा। ठीक है, जो कस्टमरी रोटेशंस होती हैं। ठीक है, इस ख्वाब के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद को कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है कि कब होगा ऐसा या आप कब कर रहे हैं ऐसा, बट ही सीज दैट ड्रीम। सो प्रॉफिट मोहम्मद इंडिकेट्स दिस ड्रीम एज एन इंडिक एज अ सिंबल फ्रॉम अल्लाह, या एज अ सिग्नल फ्रॉम अल्लाह, एज अ साइन फ्रॉम अल्लाह के ही इज गोइंग टू परफॉर्म दी पिलग्रिमेज, ही इज गोइंग फॉर द उमरा। ठीक है, कुरान में सूरह फतेह के अंदर इसका जिक्र है, सूरह फतेह के अंदर इसका जिक्र है। कुरान सेज अल्लाह विल फुलफिल द विजन ऑफ हिज मैसेंजर, यू शैल एंटर द सेक्रेड मॉस्क इफ अल्लाह विल इन फुल सिक्योरिटी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि श्योरली हम तुम्हारा ये जो ख्वाब है, ये जो तुम्हारा विजन है, ये जो तुम्हारी साइन है, इसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयर्स हिज ड्रीम, प्रॉफिट अपना जो है ना ये ड्रीम अपने कंपेनियंस के साथ शेयर करते हैं, और एक जनरल अनाउंसमेंट किया जाता है कि प्रॉफिट हैज आज एवरीवन टू स्टार्ट प्रिपरेशंस एज ही वाज गोइंग फॉर द उमरा। वो उमरे के लिए जाने की प्रिपरेशंस प्रॉफिट मोहम्मद बोलते हैं कि वी विल गो फॉर आवर उमरा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये बशारत हासिल हुई है, सो एवरीवन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग हूएवर वांट्स टू अकंपनी मी। ठीक है, तो मुसलमान बहुत ये जानकर खुश होते हैं कि अब हमें उमरे के लिए जो है ना वो अल्लाह की तरफ से एक सिंबल मिला है एंड एक सिग्नल मिला है, एंड वी विल बी गोइंग फॉर दी उमरा। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जिलकद, पीर के दिन, मंडे के दिन, प्रॉफिट जो है ना वो तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, प्रॉफिट बाथ लेते हैं, ही यू नो टेक्स हिज बाथ, ही वेयर्स द एहराम व्हिच इज द ड्रेस प्रिस्क्राइब टू एनी इंडिविजुअल हु गोस फॉर द उमरा। ठीक है, एंड अपने कस्बा पे सवार होके मदीना से निकल कर इसकी तरफ निकलते हैं टूवर्ड्स मक्का। ठीक है, विद फुल प्रिपरेशन ही लिव्स मदीना एंड ही गोज टू, सो दीज आर डिटेल्स, दीज आर डिस्क्रिप्शंस ऑन मंडे ज़िलक़द के महीने में, प्रॉफिट टेक्स अ बाथ, गोज वेयर्स द एहराम एंड स्टार्ट्स, यू नो दीज आर डिस्क्रिप्शंस एंड डिटेल्स यू शुड। कौन सी वाइफ को प्रॉफिट साथ ले जाते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हमेशा अपनी वाइफ के ना चिट्स निकालते थे जिसका नंबर आता था, तो इस बार नंबर आता है उमे सलामा का। किसका? उमे सलामा का। तो उन्हें जो है ना वो प्रॉफिट बोलते हैं कि यू विल बी अकम्पनिंग मी। ठीक है, सो इस तरीके से गालिबन 1415 मुसलमान जो है ना वो एहराम में फुल तैयारियों के साथ निकलते हैं। 70 कैमल्स लेते हैं कि हम वहां जाके सेक्रीफाइस करेंगे कैमल्स, और मक्के की तरफ निकल जाते हैं, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो छोटी छोटी तलवारें अपने साथ रखते हैं, वो छोटी छोटी सोर्ड्स अपने साथ रखते हैं, और वो भी जो है ना वो क्या नाम है कवर में होती हैं। ठीक है, मुसलमान कोई लड़ने नहीं जा रहे जंग, तो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए छोटी छोटी सोर्ड्स रख लेते हैं ताकि वो जो है ना वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, सारे मुसलमान प्रॉफिट को फॉलो करते हुए चलते हैं और दे लीव फॉर दी मक्का। बेटा जब मक्का को ये मक्कन्स में जब कुरैश मुशरिकीन ने कुरैश को ये बात पता चलती है अपने स्पाइस के जरिए कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज लेफ्ट मदीना एंड ही विल बी एंटरिंग मक्का एनी टाइम, तो मक्कन्स क्या करते हैं? मक्कन्स अबू जहल के बेटे इकरमा
इकरमा बिन अबू जहल और हजरत खालिद बिन वलीद मक्कंस इन दो को भेजते हैं, 200-300 घुड़सवार के साथ भेजते हैं और बोलते हैं कि आप मुसलमान को जाकर रोकें और उनके ऊपर अटैक कर दें ताकि मुसलमान मक्का आने ना पाए। Does that make sense? प्रॉफिट को पहले से इस चीज का अंदाजा होता है कि जो मक्कंस हैं वो कुछ ना कुछ तो हमें रोकने के लिए दे विल एटलीस्ट डू समथिंग। तो प्रॉफिट हैड ऑलरेडी एंटिसिपेटेड दिस एंड देयरफॉर प्रॉफिट क्या करते हैं, मुस्लिम्स को कहते हैं कि वी विल नॉट गो फ्रॉम द रेगुलर रूट, वी विल टेक अ लॉन्गर रूट, भले वो लॉन्गर हो, थोड़ा पहाड़ ज्यादा है, थोड़ा पथरीला रूट है, ऑल्दो इट्स अ लॉन्गर एंड रॉकी रूट बट इट वुड बी अ सेफर रूट। सो दिस शोज प्रॉफिट्स ब्रिलियंस, ठीक है, शोज प्रॉफिट्स ब्रिलियंस, ठीक है, कि वो जो है वो मुसलमानों को, तो क्या मुसलमान प्रॉफिट की एक्सेप्ट करते हैं, तो वो तो क्या, या वो ये बोलते हैं कि नहीं 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 हमारे पैर थक गए, हमने जो है ना वो बिलफर्ज रोजा रखा है, हम सोएंगे ज्यादा, या हम जो है ना वो नहीं, वो तो बिल्कुल एक्टिव होते हैं। जंगे बदर का भी आपको बता दिया गया कि रोजे में थे लड़ते हुए, सच्चे मुसलमान थे वो लोग, दिल से मुसलमान थे, ठीक है। तो होता क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है ना वो दूसरा रूट ले लेते हैं और नॉर्मल शॉर्ट रूट को अवॉइड करते थे क्योंकि वहां पर खालिद बिन वलीद और इकरमा जो है ना वो इंतजार में बैठे हुए होते हैं, वो लोग बिल्कुल ही, बिकॉज कुरैश हैड सेंड बोथ ऑफ दीज पीपल अलॉन्ग विद 100 and 200 हॉर्समैन टू स्टॉप द ग्रुप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के साथ कितने मुस्लिम्स होते हैं, 1400 से 1500 मुस्लिम्स अबाउट, ठीक है। सो होता यह है कि ऑन दिस रूट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये फील होता है कि उनकी जो शी कैमल कस्वा है वो एक जगह पर आके रुक जाती है, वो आगे नहीं चलती है। सो प्रॉफिट टेक्स दिस एज एन इंडिकेशन, बिकॉज याद है ना प्रॉफिट एज सून एज ही एंटर्ड मदीना ही सेड कि मेरी जो कैमल है इट इज गाइडेड बाय अल्लाह, तो वो एक जगह पर रुक जाती है जिसका नाम होता है हुदैबिया। क्या नाम होता है, हुदैबिया। वहां पर प्रॉफिट कहते हैं, विच इज हुदैबिया इज जस्ट 3 miles अवे फ्रॉम मक्का, वहां पर प्रॉफिट कहते हैं कि वी विल स्टे ऑन दिस प्लेस, वी विल स्टे ऑन दिस प्लेस, ठीक है। तो जैसे ही कुरैश को यह बात पता चलती है, अच्छा अब एक तरफ क्या है, इकरमा और हजरत खालिद बिन वलीद उस रूट से रोकने की कोशिश किए, ये घूम के आ गए हम मुसलमान। तो जैसे ही कुरैश को यह बात पता चलती है कि भाई मुसलमान तो हमसे खाली 3 मील की दूरी पर हुदैबिया पे बैठे हुए हैं, तो दे सेंड 2 एम्बेसडर्स, ठीक है, 2 एम्बेसडर्स भेजते हैं एक के बाद एक। उसके बाद कुरैश भेजते हैं उरवा बिन मसूद को, किसको भेजते हैं, उरवा बिन मसूद को। कुरैश क्यों भेजते हैं ये एम्बेसडर्स, कि आप मोहम्मद सल्लम को जाकर बोले कि आपने जो है ना वो मक्के आने की नीड नहीं है, ठीक है, क्यों, और आपको कोई हमसे जो है ना वो यू आर कमिंग हियर फॉर द पर्पस ऑफ बैटल, हमें अभी बैटल। प्रॉफिट मोहम्मद उनको समझाते हैं, उरवा बिन मसूद को ये कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कि वी आर नॉट हियर टू फाइट, हम आपसे जंग करने नहीं आए, हमें आपसे लड़ना नहीं है। प्रॉफिट सेज आई डिड नॉट कम टू फाइट, वी केम टू विजिट द सेक्रेड हाउस, बट इफ दे विश टू फाइट then we will fight until we die or Allah decides. ये Prophet Muhammad peace be upon him की हदीस है, ठीक है। और उरवा बिन मसूद ये मैसेज लेता है और चला जाता है। उरवा बिन मसूद एक और भी यहाँ पर इंसिडेंट देखता है, वो इंसिडेंट ये होता है कि when उरवा बिन मसूद sees the love of the companions for the Prophet Muhammad, he gets shocked. उरवा ये ख्याल करता है कि ऐसा तो किसी बादशाह की हमने खातिर होते हुए नहीं देखी, बाइजेंटाइन गया, पर्शिया गया, ऐसा कहीं नहीं देखा। प्रॉफिट अगर वुजू कर रहे होते नमाज के लिए, वुजू ले रहे होते तो कंपेनियंस हाथ बांधकर पानी लेने के लिए नीचे खड़े हो जाते कि हमें जो है ना वो उसी पानी से हम भी वुजू कर लेंगे, ठीक है। डज दैट मेक सेंस। और फिर उरवा बिन मसूद इस बात से भी शौक हो जाता है कि मुसलमानों के पास जरा सा भी डर नहीं होता है,
लाइक तीन मील दूरी पर है। कुरैश ने उर्वा को भेजा ही इसी वजह से है, उर्वा बिन मसूद को, कि आप नेगोशिएशंस करें और बोलें कि आप ओ, तो वो ये देख के हैरान हो जाते हैं, इनको तो कोई डर ही नहीं है, इनको तो ये भी डर नहीं है कि कुरैश हमला भी तो कर सकती है, वो ही नॉर्मल अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, हर चीज नॉर्मल कर रहे हैं। तो उर्वा बिन मसूद इज शॉक्ड नाउ, ठीक है, वो वापस आके सारी चीजें अपनी जो है ना वो मक्कंस को, मुशरिकीन कुरैश को बताते हैं। नाउ इट इज द टाइम फॉर प्रॉफिट मोहम्मद टू डू समथिंग, सही है, प्रॉफिट मोहम्मद नेगोशिएशंस के लिए, अब जाहिर है आए हैं तो हमें उमरा तो करना ही है, तो प्रॉफिट मोहम्मद नेगोशिएशंस के लिए दो एम्बेसडर्स को भेजते, पहले एक को भेजते, कुछ टाइम हो जाता है वो रिटर्न, मक्के से रिटर्न नहीं होता, अब तीन मील की दूरी है वो आता ही नहीं है, फिर दूसरे कंपेनियन को भेजते हैं, दूसरे एम्बेसडर को, वो भी रिटर्न नहीं होते। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम भेजते हैं हजरत उस्मान बिन अफान को, थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम, हजरत उस्मान को भेजते हैं और बोलते हैं कि आप जाकर के जो है ना वो नेगोशिएशंस करें। प्रॉफिट मोहम्मद हजरत उस्मान को क्यों चूज करते हैं, इसके पीछे आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा। हजरत उस्मान जैसे ही मक्का पहुंचते हैं वहां की लीडरशिप से मिलते हैं, अबू सुफियान से मिलते हैं, बाकी ट्राइबल लीडर से मिलते हैं, बनु मखज़ूम के लोगों से मिलते हैं और कहते हैं कि वी आर नॉट हियर टू फाइट यू, वी आर नॉट फाइट प्रमोटर्स, वी आर फाइट रिस्ट्रिक्टर्स, हमें जंग नहीं करनी। तो वो लोग लीडरशिप कुरैश की हजरत उस्मान को पता है क्या कहते हैं कि आपको अगर उमरा करना है ना उस्मान आप कर ले, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को हम सिटी एंटर, हजरत उस्मान क्या जवाब देते हैं, जिसने मुझे इस्लाम का कलमा पढ़वाया, अल्लाह की शनाख्त कराई, अल्लाह की मारफत हासिल कराई, और जिसके खातिर हम उमरा अल्लाह को राजी करने के लिए उमरा करने आते हैं, और मैं अपने नबी और रसूल के बगैर ही उमरा कर लूं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई सी भी, नहीं करना मुझे उमरा मेरे रसूल और नबी के बगैर, ठीक है। तो ये नेगोशिएशंस चलती रहती हैं चलती रहती हैं, हजरत उस्मान को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जब हजरत उस्मान को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है तो होता क्या है, होता ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो कैंप होता है हुदैबिया पर, वहां पर मुसलमानों के दरमियान एक अफवाह फैल जाती है। क्या अफवाह फैल जाती है, और ये अफवाह फैलाने वाले कौन है, ठीक है, ये लोग होते हैं ना जो इधर से उधर करते हैं, उनमें हिपोक्रेट्स भी आ सकते हैं, जूस भी आ सकते हैं, तो इधर उधर से चाइना विस्परिंग हो के कान में बात आ जाती है, ठीक है। क्या बात आती है कि हजरत उस्मान हैज बीन मर्डर्ड, मुसलमान जो है ना वो परेशान, ये अफवाह फैलना स्टार्ट कर देती है, हो जाती है कि हजरत उस्मान हैज बीन मर्डर्ड, डज दैट मेक सेंस। तो जैसे ही प्रॉफिट ये र्यूमर हियर करते हैं सुनते हैं, तो प्रॉफिट अपने कंपेनियन से बैत लेते हैं। प्रॉफिट आस्क्ड हिज कंपेनियंस के अगर हजरत उस्मान के साथ ये हुआ है तो ईच वन ऑफ अस विल फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह अंटिल वी टेक द रिवेंज ऑफ द यू नो द मर्डर ऑफ हजरत उस्मान, ठीक है। और प्रॉफिट मोहम्मद ये प्लेज में ये कहते हैं अपने कंपेनियंस को कि लेट अस टेक अ प्लेज कि अगर हमारी जान भी चले जाए तो भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम हजरत उस्मान के मर्डर का बदला नहीं ले लेते, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद अपना हाथ आगे करते हैं, सारे कंपेनियंस अपना हाथ प्रॉफिट मोहम्मद के हाथ पे बैठ लेते हैं, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सब हाथों के ऊपर अपना दूसरा लेफ्ट हैंड प्लेस करके बोलते हैं ये हाथ हजरत उस्मान का था, ये हाथ हजरत उस्मान का था, ठीक है, बिकॉज ही इज आल्सो इंक्लूडेड इन द मुस्लिम उम्मा, डज दैट मेक सेंस। तो अल्लाह इसको कहते हैं बैते रिजवान, क्या कहते हैं बैते रिजवान। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान के अंदर, इंडीड अल्लाह वॉज प्लीज्ड, अल्लाह खुश था with the believers when they pledged allegiance to you o prophet under the tree, allah bahut khush tha jab momineen ne baite rizwan di, theek hai। to jaise ye pledge hoti hai uske thode time baad hazrat usman wapas aa jate hain, hazrat usman wapas aa jate hain,
मुसलमान शुक्राना अदा करते हैं कि इनको कुछ भी नहीं हुआ है. एंड ही कम्स एंड एक्सप्लेन्स कि जो मेरा डिले होने की वजह थी वो थी डिटेंशंस. एंड ही एक्सप्लेन्स कि उन्होंने मुझे इस तरीके से ऑफर किया कि आप उमरा कर ले, बट मैं प्रॉफिट मैंने यही कहा कि मैं उनके बगैर उमरा. और फिर हजरत उस्मान समझाते हैं कि निगोसिएशंस फेल हो गई, वो लोग हमें आने की इजाजत नहीं दे रहे. ठीक है, जैसे ही मक्कंस को ये बात पता चलती है कि मुसलमानों ने रसूल के हाथ पर बैत रिजवान कर लिए, मक्कंस डरना स्टार्ट होते हैं. मक्कंस बोलते हैं हमने तो कुछ भी नहीं किया, हजरत उस्मान तो जिंदा है. लेकिन जैसे ही मक्कंस को ये बात पता चलती है कि हजरत उस्मान की डिटेंशन की वजह से मुसलमानों ने बैत ले ली है, तो मक्कंस जो है ना वो हड़बड़ाना शुरू हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और मक्कंस भेजते हैं सोहेल बिन अम्र को. किसको भेजते हैं? सोहेल बिन अम्र को. और भेजते हैं, बोलते हैं कि आप जाकर के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ नेगोशिएशंस करें. ठीक है, बहुत ज्यादा डिबेट होती है और डिबेट का जो मौजू होता है वो ये होता है कि आइदर मुसलमानों को कोई चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए उस कंडीशन में, क्या हमें झुकने की जरूरत है. तो जो कंपेनियंस होते हैं वो बोलते हैं कि हमें कोई भी झुकने की जरूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू बो डाउन बिफोर देम. क्यों हम कुरैश के आगे झुकें, किस वजह से झुकें? ठीक है, लेकिन इस्लाम इज अगेन अ रिलीजन ऑफ पीस, राइट, इट टीचेस पीस फर्स्ट. तो अगर सामने वाला आपसे अग्रीमेंट ट्रीटी करने आ रहा है तो प्रॉफिट अग्रीज के यस देयर शुड बी अ पीस ट्रीटी. ठीक है, एंड दैट इज टर्म्ड एज सुलह हुदैबिया या फिर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया. मेन टर्म्स क्या होती हैं ट्रीटी की? पहली टर्म ये होती है कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएंगे विदाउट डूइंग उमरा. मुसलमान अगले साल आ सकते हैं उमरा करने, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्का में नहीं रुकेंगे. वो हर मुसलमान के पास अपनी एक सॉर्ड हो सकती है छोटी सी, लेकिन वो भी अंडर इट्स शेड. ठीक है, वो निकालेंगे नहीं सॉर्ड, इट इज जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन. और इसी के साथ चौथी टर्म ये होती है कि मुस्लिम्स कैन नॉट टेक एनी मुस्लिम ऑफ मक्का बैक विद देम. यानी कि अगर कोई मुसलमान मक्के के अंदर रह रहा होता है तो मक्कंस ये शर्त रखते हैं कि वो बल्ले वहीं पर रहे, आप इसे उमरे के साथ वापस मदीना मक्कंस वाले ये शर्त क्यों रखते हैं? ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की ग्रोथ ना हो. ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक इसी कंटिन्यू इसी शर्त में यह बोला जाता है कि अगर कोई मदीने का मुसलमान आ रहा है उमरा करने और वो मक्के में रहना चाहेगा तो आप उसे मक्के में रहने देंगे, ट्रेड कारवांस के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा और 10 साल के लिए कंप्लीटली पीस डिक्लेयर हो जाएगा बिटवीन कुरैश एंड द मुस्लिम्स. कोई भी ट्राइब चूज कर सकता है टू मेक एन अलायंस आइदर विद प्रॉफिट मोहम्मद और द कुरैश. ठीक है, अगर कोई शख्स मक्का से मदीना जाएगा तो प्रॉफिट मोहम्मद और मुसलमानों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो उन्हें रिटर्न करे सेफली. लेकिन अगर कोई शख्स मदीने से मक्का चला जाएगा तो मक्का वाले उसे रिटर्न. ये टर्म सुनकर ट्रीटी की पीपल गेट शॉक्ड कि किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पीपल इन अ सेंस कि मुसलमान शॉक हो जाते हैं कि यार ये कोई तरीकेकार है, ये कैसी बातें कर रहे हैं. अव्वल तो वो ट्रीटी करने ही नहीं चाहते ही नहीं है करना. डज दैट मेक सेंस? वो बोलते हैं कि हमें ट्रीटी साइन करनी नहीं है, क्यों करें हम तो ईमान पे लड़ने को तैयार हैं. ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, ऑल्दो मुस्लिम्स वर नॉट हैप्पी विद द ट्रीटी बट वो एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, मुसलमान की ना खुश होने की एक एग्जाम्पल देता चलूं, हजरत उमर जोर से चीखते हैं कि हम अपनी जान देने को तैयार हैं या रसूल अल्लाह, आप आगे बढ़े, क्यों सुना करते हैं इनसे कुफार से, क्या क्या मजबूरी ऐसी हमारी, हम तो अपनी जानें आप पर निछावर करने को तैयार हैं, हमारी जानें हमारी जवानें आप पर निछावर करने को तैयार हैं, आप बढ़े आगे. ये कर कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर उन्हें कूल डाउन करते हैं. तो हजरत अबू बकर हैज गॉट अ की रोल इन कूलिंग डाउन उमर एवरी टाइम.
So once a companion asked Abu Bakr, what kind of a person you are appointing over us? Abu Bakr, Umar to hamara jina, jis gali se Umar jata hai, hum us gali ko tabdeel kar lete hain. Itne strict, itne ghusse wale. Hazrat Abu Bakr kehte hain, the weight of the office of the caliphate will cool him down. He will become humble. He will become a man, a Umar, an unprecedented Umar. Okay? Khair baharat. So, formal treaty jo hai na, wo sign ki jati hai. Suhail bin Amr aur Hazrat Ali becomes the scribe of the Holy Prophet. Theek hai? Hazrat Ali taus matlab tasmiya likhte hain, theek hai? Aur but Suhail tasmiya kisko kehte hain? Bismillahirrahmanirrahim ko kehte hain. Kya kehte hain? To Treaty of Hudaybiyah ke top par likha jata hai Bismillahirrahmanirrahim. Does that make sense? Top ke upar likha jata hai Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Ali likhte hain Bismillahirrahmanirrahim, lekin Suhail bolta hai isko hata ke aap likhe Allahumma Bismika. Kyunki hum to Allah mein nahi mante, hum Allah mein nahi mante, theek hai? Isi tarike se ek aur conflict jo Hazrat Ali aur Suhail ke darmiyan aata hai, wo ye aata hai ki Hazrat Ali likhte hain Muhammadur Rasulullah, Muhammad the messenger of Allah. Suhail kehta hai nahi, hum to nahi mante. Aap likhe Muhammad bin Abdullah, मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे. अली बोलते मैं नहीं लिखूंगा, लिखूंगा ही नहीं, मैं रसूल है हमारे, ये प्रॉफिट मोहम्मद. फिर उनसे जो लिखने का स्टफ होता है वो लेते हैं हजरत अली से, और मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह की जगह बोलते हैं हजरत अली को कि रिप्लेस इट विद मोहम्मद बिन, बिकॉज फॉर देम दिस ट्रीटी इज फॉर देम, दिस ट्रीटी इज नॉट फॉर अस. दिस व्हाट इज फॉर अस, अल्लाह कहता है कुरान में, वी हैव ग्रांटेड यू अ क्लियर विक्ट्री. That victory is for us, that is granted by Allah, that the Quraysh are now so dumb that they are asking to make a peace treaty. और आगे चल के इस treaty के साथ पता है ना क्या होता है, ठीक है? चले, अच्छा जी, तो इस तरीके से जो है ना वो treaty sign होती है. सोहेल बिन अमर जो है ना वो मक्का पहुंचते हैं और मक्कन leadership को इसके बारे में बताते हैं. Does that make sense? इसमें हजरत एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है यहाँ पे, अबू जंदल की कन्वर्जन. अबू जंदल कौन थे? सोहेल बिन अमर के बेटे थे. कौन थे? सोहेल बिन अमर के बेटे थे, ठीक है? वो प्रॉफिट मोहम्मद के पास सीक्रेटली आते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं. सोहेल फौरन प्रॉफिट मोहम्मद के आगे फरियाद करते हैं अपने बेटे की और बोलते हैं कि इन्हें जो है ना वो वापिस भेजे आप, ठीक है? सो प्रॉफिट मोहम्मद क्या कहते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद अबू जंदल को कहते हैं कि आप जो है ना वो वापस चले जाएं, ठीक है, और मैं आपको दुआ देता हूं कि यू विल बी गुड टू गो, उठें, ठीक है? सो दिस शोज दैट यू नो प्रॉफिट ऑलवेज रिमेन्ड ऑन हिज वर्ड्स. ट्रीटी में क्या लिखा था? अगर मक्के से कोई आएगा तुम्हारी तरफ तो आपने वापस भेजना है. प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला मैंने जबान की, आप जाए वापस, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है? डज दैट मेक सेंस? Rituals of Umrah, of course, Prophet अब इतने 70 camels लेकर आए थे, तो Prophet मुसलमानों को बोलते हैं कि they should sacrifice the camels, ठीक है? You know, shave the heads again and then remove the ihram, ठीक है? Prophet यानी कि Umrah की proceedings इख्तिताम पर लेकर आए, ठीक है? हर कोई state of depression में था, सब खामोश उदास बैठे हैं. Prophet कहते हैं कि बस हम अब we are returning back to Medina. You should shave your heads. You should, you know, make the sacrifice of the animal, and you should, you know, you can just, you know, replace your ihrams. ठीक है? We will come next year. Sab depression, sab udas. Prophet कहते हैं sacrifice करना है, ihram remove करें, सब बस उदास बैठे हुए, कुछ नहीं कर रहे. तो prophets क्या कहते हैं? अपने camp में जाते हैं, उम्मे सलमा उन्हें suggestion देती हैं. Prophet Muhammad peace be upon him को अब जाहिर है वाइफ है प्रॉफिट की, सजेशन बहुत अच्छा दिया उन्होंने. वो कहती हैं कि आप खुद ही क्यों ना ये स्टार्ट कर लेते हैं, एवरीवन विल फॉलो. तो प्रॉफिट मोहम्मद कम्स आउटसाइड हिज कैंप, सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, सेक्रीफाइस करना, एहराम तब्दील करना, ठीक है, और बाकी सब लोग एज अ सुन्नत उसे फॉलो करते हैं. और कुरान इसको कहता है
इंडीड वी हैव ग्रांटेड यू अ मैनिफेस्ट विक्ट्री. ये आयत जो है ना वो इस वक्त इस चीज के ऊपर कॉन्टेक्स्ट में बैठती है. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है बेटा ट्रीटी ऑफ उदयबिया की? इंपॉर्टेंस ये है कि अरेबिया के अंदर पीस डिक्लेयर हो गया, प्रॉफिट ने दूसरे जगहों पर अपने मिशनरीज भेजना शुरू किए, लेटर्स ऑफ प्रॉफिट इन 7th AH, कन्वर्जन ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद एंड अमर बिन आस, मेरी स्लाइड से देख लेना, पढ़ाऊंगा नहीं मैं. ठीक है, इस्लाम वॉज रियलाइज एज अ सेपरेट पावर एंड एंटिटी ऑफ कोर्स. ठीक है, मुसलमानों को परमिशन मिल गई कि वो अगले साल आकर के उमरा कर सकते हैं. ठीक है, और यू नो फ्यूचर एक्सपीडिशंस एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का फॉलोड दिस ट्रीटी, क्योंकि यही ट्रीटी आगे चल के वो लोग तोड़ेंगे, बनू बकर और बनू खुजा, अगर आप किसी को याद हो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. और इस ट्रीटी को टर्माइट्स ने, दिस ट्रीटी वॉज हंग इन द यू नो एट द काबा, बट दीमक वगैरह ने जो है ना वो इसको खा गई थी दीमक. ठीक है, डज दैट एक्सेप्ट द रेड लेटर्स अल्लाहुम्मा बिस्मिका. ठीक है, एक्सेप्ट दैट. सो दिस वॉज ओवरऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ उदयबिया. पहले की डिटेल रिकॉर्डिंग्स इफ अवेलेबल, आई डोंट नो है कि नहीं है, उसमें कन्वर्जन भी मैंने पढ़ाई है. ठीक है,